काला जादू के बारे में आपने सुना होगा, ब्लैक मैजिक। व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के चैनल में स्वागत है, मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं काला जादू के बारे में, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक, जादू टोना। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, फोन करते हैं सवाल लेने के लिए, कहते हैं कि मेरे ऊपर किसने कुछ जादू कर दिया है, इसका क्या कर सकते हैं, क्या भूत प्रेत पता नहीं क्या कर दिया है मेरे को, इससे मुझे आप कैसे बचा सकते हैं। देखिए, इस प्रकार की जब बातें दिमाग में आती है कि किसने मुझे कुछ कर दिया है, हो सकता है ये इमेजिनरी हो, आपका खुद का बनाया मनगढ़ंत भी हो सकता है, या ये विचार अपने आप आपके अंदर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फियर्स। ये जो फियर जनरेट हो रहे हैं, ये कैसे जनरेट हो रहे हैं, क्यों जनरेट हो रहे हैं, आपको नहीं मालूम। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, कहते हैं कि रात भर बुरे बुरे सपने आते रहते हैं, ऐसे सपने बहुत डरावने होते हैं, जो मैं रात को अचानक नींद से उठ जाता या उठ जाती, तो सपना तो देखना नहीं चाहता है, कोई बुरा सपना तो कोई देखना नहीं चाहता है, कोई भी भयभीत होना नहीं चाहता है, लेकिन लोगों को ये होता है। ये इसलिए हो सकता है कि जैसे आपकी जो ऑरिक बॉडी है, वैद्युतिक शरीर है आपके शरीर के चारों तरफ, उसमें यदि कोई पंक्चर है, डैमेज्ड है, तो नेगेटिव एनर्जी जो है ये आपके अंदर आ सकती है। एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, इसको कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, भूत प्रेत यक्ष नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी जो कि आपकी एनर्जी के अनुकूल नहीं है और जो आपको हानि पहुंचा सकती है। और ऐसी समस्याएं ज्यादा आती है लेडीज को, लेडीज और गर्ल्स स्पेशली, लिसन, इफ यू हैव इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यदि आपके मासिक धर्म में गड़बड़ी है, तो ऐसा होता है कि जो आपकी ऑरिक बॉडी है ये डैमेज हो जाती है, पंक्चर हो जाता है, तो उसमें आपके मासिक धर्म के जो 4-5 दिन होते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी वगैरह आपके अंदर आ सकते हैं, आपके बॉडी को कॉन्टामिनेट कर सकते हैं। तो आपको जरूरत है प्रोटेक्शन की। जैसे मैंने शुरुआत किया कि मन में ऐसे भाव आना कि कोई मुझे कुछ कर रहा है, किसने कुछ मुझे कर दिया है, ये हो सकता है कि सही भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे समझ से परे हैं, लेकिन होता है। लेकिन कुछ लोगों को कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब उसको दर्द हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो वो बंदा कहता है कि मुझे परेशानी है, लेकिन कई बार डॉक्टर समझ में नहीं पाते, डॉक्टर समझ नहीं पाते, लेबोरेटरी टेस्ट में ब्लड में कुछ नहीं आता है, स्कैनिंग में कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको तो परेशानी होती है। आप ये सपने की बातें कर रहे थे कि बुरे बुरे सपने आना, इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है, आपको नींद की गोली दे देगा, आप सो जाएंगे, उसके साथ साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि आपको सपने आएंगे लेकिन नींद इतनी गहरी होती है कि आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन सुबह जब उठेंगे तो तरोताजा नहीं उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे, आप थकान से उठेंगे, पूरा शरीर आपका भारी होगा और आप इन चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। यदि आपको बुरे सपने इस प्रकार के आते हैं और मन में बहुत भय रहता है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। यदि आपके मन में भय रहता है, हरदम फियरफुल टेंडेंसी आपकी है, तो हो सकता है कि आपका चंद्रमा मून में कोई इशू है, 2 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। या यदि आपका मार्स एकदम डेबिटेशन है, शक्ति ही नहीं है, तो आप जिंदगी में फियरफुल रहते हैं, ऐसा भी होता है। यदि आपको लगता है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ी है, उस समय प्रोबेबिलिटी जो बढ़ जाती है, मैंने बताया कि नेगेटिव एनर्जी हमारे और से मिक्सअप हो जाते हैं और हमारे फिजिकल बॉडी को, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम उसको इन्फ्लुएंस करने लगता है, तो 11 मुखी रुद्राक्ष आपको काम कर सकता है। तो 2 मुखी 6 मुखी मंगल के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए बताया मैंने, 10 मुखी कहते हैं विष्णु है, कृष्ण के नाम से इसको जोड़ा जाता है, और 11 मुखी जो है पंचमुख हनुमान से जोड़ा जाता है, एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए बातें होती है। यदि आपको और भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको लगता है कि आपका शरीर का आपने लगता है, या आपको एकदम भय से आप गड़बड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं कई बार अचानक, तो इस समय में इस प्रकार की समस्या में 14 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष काम कर सकता है। यदि भय के कारण, इस प्रकार के सपनों के कारण आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं और किसी को समझ में आता है कि क्या हो रहा है आपको, तो ऐसे जब समझ में ना आए तो उसमें 16 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जो कहते हैं कि इसको कहते हैं महामृत्युंजय,
शिव जी के नाम पर जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये रुद्राक्ष ने बताए, इसके बारे में आप कंसिडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने समस्या के बारे में समाधान करने के बारे में। यदि आपको जिज्ञासा है तो हमारे वेबसाइट को आप लॉग इन कर सकते हैं www.whitelotusspirituality.com। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।